दुनिया देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। पटियाला महारैली मुलाजमान की इतने हो रही, असं उत्थे खड़े हाँ और साढ़े नाल ने टीचर भी ने और ब्लाइंड एसोसीएशन के प्रधान भी ने, उन्होंने असं गलबात करांगे कि वो अहमदगढ़ तो संगरूर तो चल के इतने पटियाला पहुँचने तो की मंगा मसले उन्होंने ने। सो सर अपना नाम दस दो जी, अपना महकमा दस दो। हाँ जी, मेरा नाम सुखविंदर सिंह है जी और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के एज ए म्यूजिक टीचर जॉब कर रहा। अच्छा जी, और की मंगा मसले ने जी? आप देखो जी, मंगा तो बहुत ने, अगर मंगा की गल कर लगीए तो अज तक मैनू नहीं लगता कि अब साढ़े चार साल पौने पांच साल हो गए ने साड़ी सरकार आई नू किसी एक भी मंग के उपर सू भरोसेयोग जोड़े है ने संतुष्टि जगत जवाब दे के सू संतुष्ट किया हो। लेकिन फिर भी मैं मुख मंगा तुम्हें दस दिना कि सब तो पहला तो जे लंबे समय तो संघर्ष कर रहे हैं कि पुराने मुलाजमान जोड़ा है वो पक्के करने वास्ते, कच्चे मुलाजमान पक्के करने वास्ते वो मुख मंग हैगी। उस तो बाद अगर गल करिए असी पुरानी पेंशन स्कीम की, 2004 तो बाद जो है वो पुरानी पेंशन स्कीम इन्होंने बंद कर दी है। वो किसी भी जो भी कोई रिटायरमेंट होंगी है किसी की भी उन्होंने कुछ भी नहीं दिता जाएगा उस तो बाद। सो फॉर एग्जाम्पल ही असी गल कर लें कि असी, मैं खुद एक ब्लाइंड हाँ, ठीक है जी, नैशनल फैडरेशन ऑफ द ब्लाइंड है, भारत नेत्रहीन सेवक समाज के अंडर असी रह के काम कर रहे हैं। सो मैं अपनी एक उदाहरण दे दूँगा कि मैं ब्लाइंड है जी, मैं अज जॉब कर रहा, ठीक है जी, और मैं अज तो 10 साल 15 20 साल बाद मैं रिटायर होना, और रिटायर होने तो बाद मैं दसो कि मेरा सहारा की है, मेरी इनकम की है, अज मैं जॉब कर रहा और कल जो भी चलो मिलेगा वो एक अलग मैटर है, लेकिन वो किन्ना चिर तुम्हें पता है सीमित होंगे जो। सो पुरानी पेंशन स्कीम में लैके जो अभी अज इतने आए हैं, एक तो भी पुरानी पेंशन स्कीम जी बहाल की जाए हर हाल के। इस तो अलावा जोड़ा है पे कमीशन पिछले 4.5 साल तो जोड़ा सा 2016 के लागू होना स, और वो 4.5 साल तो सानू लारेबाजी लाउंदी हुई सरकार अज 2020 दे विच पे कमीशन की जिहड़ी रिपोर्ट जारी की है वो तुहाडे सारे दे सामने ही है कि उहदे विच की हैगा और की मुलाजमान के पक्षी है और की मुलाजमान के खिलाफ ही है। सो वो ये गल्लां जिहड़ियां सरकार सानू लारेबाजियां ला के जां जिहड़ियां चलाकियां करके सानू जिहड़े मुलाजमान नू एक पहमाउण की कोशिश कर रही है, लेकिन ये जिहड़ा ये कम नहीं चलूगा। सो पे कमीशन दीआं वी जिहड़ियां वी रिपोर्टां जिहड़ियां इन्हां ने दित्तियां ने वो बिल्कुल ही मतलब नुकसानयोग जड़े है, मतलब जी सा सैलरी है उस तो भी घट रही है अगर असं उन्होंने करके देख रहे हैं मल्टीप्लाई। सो ये पे कमीशन दिपोर्टा जड़िया ने उन्होंने जोड़ा है दुरुस्त करके लागू किया जाए, और इस अलावा तो जो डी ए दिशा डी ए दिशा साढ़िया जी पिछले 6 रुकिया पी जी, और 6 के एक भी देने साढ़े जोड़े है कैप्टन साहब मानयोग राजी नहीं है। सो य बहुत ही नाराजयोग, तुम अज देख ही रहे हो कि इन्ना मुलाजम वर्ग इतने इकट्ठा होया पिछे कोई ना कोई रीज़न हैगा। सो मैं हाथ जोड़ के ही अपील करना कि जोड़ा जिन्हें भी मुलाजम अच्छे इकट्ठे हुए हैं इन्हों की पुकार सुन लो कैप्टन साहब, तो यही असी कुछ नहीं मंगते, जो साडे बनते हक है उही असी लैने। अगर ये कुछ भी अगर सानू संतुष्टि जगत नहीं जवाब मिलता तो असी इस तो भी ज़्यादा जोड़ा है अपनिया एसोसीएशन लेके भी इतने अगर परमानेंट धरना लाना पैंदा, जो भी जिस हद तक भी जाना पैंदा उस तक अही जावांगे। लेकिन जिहड़ियां साडियां मंगां ने असी बेनती ही कर सकते हैं कि इहनूं मन लो प्लीज़, अपनी जिहड़ी इह नीतियां जिहड़ियां ने इहनां नूं घटिया नीतियां जिहड़ियां अपना रही है सरकार, असी इहदा खंडन करदे हो इत्थे आए हां। सो इहनां नूं इह उम्मीद करदा कि इह साडी बेनती नूं कबूल करदे हुए जरूर साडियां मंगां दे वल ध्यान देणगे जी। सो इह म्यूजिक टीचर ने स्पैशली एबल्ड ने, तुसीं देख सकदे हो कि ये जिहड़े टीचर ने वो देख नहीं सकते बच्चों नूं संगीत सिखाउंदे ने, पर सरकारां दीआं नीतियां ने इन्हां नूं मजबूर कीता कि ये अपने घरां तों चल के जिहड़ा इत्थे पटियाले विच इत्थे रैली करन, इस गर्मी दे विच आ के रैली